देश भर में भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत नेशनल हाईवे, एक्सप्रेसवे और इकोनॉमिक कॉरिडोर तैयार किए जा रहे हैं, जिसने पूरे भारत की तस्वीरें ही बदल दी। लेकिन आपको पता है, छत्तीसगढ़ और झारखंड को जोड़ने के लिए एक इकोनॉमिक कॉरिडोर भी तैयार किया जा रहा है, जो सेंट्रल और नॉर्थ इंडिया की कनेक्टिविटी को बेहतर करेगा। नितिन गडकरी जी की विजन से रायपुर धनबाद इकोनॉमिक कॉरिडोर की आधारशिला रखी गई थी, जो अब वाकई में उभरता हुआ नजर आ रहा है। इस इकोनॉमिक कॉरिडोर का काम भी तेजी से शुरू हो चुका है। इस इकोनॉमिक कॉरिडोर को छत्तीसगढ़ में 2 भागों में और झारखंड में 8 भागों में तैयार किया जा रहा है। रायपुर बिलासपुर रांची धनबाद इकोनॉमिक कॉरिडोर इस प्रकार से बनाया जा रहा है कि इसमें कोई ज़्यादा ट्रैफिक का सामना ना करना पड़े। इसमें बाईपास और नए रूट व सीधी रोड बनाई जा रही है, जिससे वाहनों को जाम का सामना ना करना पड़ेगा। यह इकोनॉमिक कॉरिडोर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना जा रहा है, वो इसलिए क्योंकि छत्तीसगढ़ और झारखंड में कोयले का भंडारण है, जहाँ से देश भर में कोयले की सप्लाई की जाती है। कोल मतलब पावर इलेक्ट्रिसिटी इंडस्ट्रीज, जिससे देश में इलेक्ट्रिसिटी की पूर्ति की जाती है। वहीं इसके अलावा भी छत्तीसगढ़ में स्टील, सीमेंट, राइस भी अधिक मात्रा में उत्पादन होता है, जो देश के जीडीपी में इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। वैसे भी इस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के रूप में तैयार किया जा रहा है, जिससे ट्रांसपोर्ट में आसानी होगा। वहीं यह इकोनॉमिक कॉरिडोर कई और इकोनॉमिक कॉरिडोर को जोड़ेगा, जिसमें वाराणसी रांची इकोनॉमिक कॉरिडोर, संबलपुर रांची इकोनॉमिक कॉरिडोर, पटना रांची इकोनॉमिक कॉरिडोर, इससे यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और झारखंड के बीच कनेक्टिविटी बढ़ेगी। इससे इन राज्यों के बीच व्यापार तो बढ़ेगा ही, साथ ही रोजगार भी बढ़ेगा।